Now, this is a story about the person named Androcles. Now, we will see what is given in this particular lesson. Now, long, long ago, there lived a kind, gentle, and courteous man called Androcles. Long, long ago, there lived a kind. काइंड मतलब होता है अः ईमानदार वफादार अच्छा व्यक्ति जेंटल मतलब होता है शांत सुशील सुशील शांत स्वभाव का कर्टियस मतलब होता है शालीन शालीन या निवेदक मैन कॉल एंड्रोकलिस न बट ही हैड अ वेरी क्रुएल मास्टर क्रुएल मतलब होता है कठोर क्रुएल मीन कठोर कठोर मतलब बहुत ही खराब है ना मास्टर मास्टर मतलब मालिक मतलब इससे हमें पता चलता है कि एंड्रोक्लिस वॉज अ सर्वेंट इन दोंग्स उस जमाने में उन in those days, उस जमाने में जो किंग्स होते थे राजा महाराजा होते थे या नोबल मतलब महान या उत्तम बड़े व्यक्ति है ना एंड अदर वेल्दी वेल्दी मतलब संपन्न धनवान धनवान व्यक्ति जो होते थे वो मैन यूज Used poor people, गरीब व्यक्ति को यूज करते थे गरीब व्यक्तियों का यूज करते थे एज देयर स्लेब स्लेब्स मतलब होता है सेवक नौकर बना के रखते थे ना स्लेव वो भी एक नौकर था स्लेव्स वर फोर्स टू वर्क फॉर देयर मास्टर मतलब उन्हें फोर्स किया जाता था उनके साथ जबरदस्ती की जाती थी टू वर्क फॉर देर मास्टर उनके मालिकों के लिए उन्हें काम करना होता था दे है मतलब उन्हें वही करना होता था देट देअर मास्टर टोल मतलब उन्हें वही चीजें कोरनी होती थी जो उनके मालिक कहते थे दे हैड नो फ्रीडम उन्हें बिल्कुल भी आजादी नहीं थी नो no राइट ना अधिकार थे राइट मतलब अधिकार

छोड़ भी नहीं सकते थे लीव मतलब होता है छोड़ना लीव मतलब छोड़ना जाना यानी छोड़कर जा नहीं सकते थे वर बाउंड बाय लॉ टू ओबे दे मास्टर्स हाव एवर विथ ही माइट बी मीन्स दे वर बाउंड मतलब उन्हें लाचार किया जाता था बाउंड मतलब होता है लाचार बाय लॉ लॉ मतलब कानून या नियम एंड ओबे ओबे मतलब पालन करना आज्ञा का पालन करना डियर मास्टर्स हाउ एकदम. कितने भी दुष्ट क्यों ना हो कटर क्यों ना हो असुर क्यों ना हो एकदम तो भी उन्हें अपने मालिक के साथ ही रहना पड़ता था ऐसे उन्हें मजबूर किया जाता था लाचार किया जाता था कानून के मुताबिक एंड दे देम

उन्हें खाना नहीं देता था भूखा रखता था और काम करवाता ही स्लीव्स ऑफन व्हिपट व्हिपट मतलब होता है मारना तुम ये नहीं करते तुम नहीं वो करते करके ऐसे पनिश करना हर समय व्हिप हिम मारना एंडोक्लीस फेल्ट दैट इवन डेथ वाज बेटर सर्विंग सच अ मास्टर मतलब एंडोक्लीस को ऐसा लगता था फेल्ट मतलब लगना महसूस होना दट इवन मतलब ऐसे मालिक के साथ काम करने से अच्छा ऐसे मालिक के पास काम करने से उनके साथ व्यवहार किया जाता था उन नौकरों के साथ और उस समय ऐसा नियम था कि वो उसे छोड़कर भी नहीं जा सकते थे ही केप्ट लुकिंग आउट फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी मौका अवसर मतलब वो एक तलाश कर रहा था कि कोई ऐसा मौका मिले कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जिसके मदद से वो अपने मालिक से दूर जा सके एंड ही कैन लीव हिज लाइफ हैप्पीली एट द फर्स्ट चांस ही गॉड एट द फर्स्ट चांस ही गॉड उसे एक मौका मिला ही एस्केप्ड फ्रॉम द क्लचेस ऑफ हिज हिस्क्र मास्टर एस्केप मतलब भाग जाना बचकर भाग जाना मुझे उसे वो एक मौका मिला और वो बचकर वहां से भाग निकला तो क्लचिस क्लचिस मतलब होता है चंगुल से फ्रॉम हिस क्रूअल मास्टर अपने वो क्रूअल मास्टर के चंगुल से वो बचकर भागने में सक्सेस हो गया नमस्कार दोस्तों स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है यह एक छोटा सा सर्वे है क्या आपको हमारी सर्विसेस अच्छी लग रही है इसके बारे में आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं, तो दिए गए क्यू आर कोड को स्कैन करके आप हमें डोनेट कर सकते हैं हमारे वीडियोस को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद ना अब देखते हैं क्यूँ मौका तो मिल गया बट इट वॉज वस...

ही टुक शेल्टर इन अ फॉरेस्ट शेल्टर मतलब छा लेना पनाह लेना पनाह, ओके okay? या शरण में जाना ही टुक शेल्टर इन द फॉरेस्ट वो एक जंगल में जाकर छुप गया ही वॉज नॉट afraid of ऑफ द वाइल्ड बीस्ट एंड रोम द फॉरेस्ट ही वॉज नॉट मतलब उसे बिल्कुल भी डर नहीं था अफ्रेड मतलब होता है डर नॉट अफ्रेड उसे डर नहीं था विथ वाइल्ड बीस्ट बीस्ट मतलब होता है जानवर मतलब जंगल के जो प्राणी थे उससे वो डरता नहीं था रोम ड्रोम मतलब होता है घूमना ही रोम द फॉरेस्ट मतलब वो पूरे जंगल में घूमते रहा ही डिड नॉट माइंड दैट ही हैड नो रूफ ओवर डिड नॉट माइंड मतलब उसे बिल्कुल भी क्षणिक भी विचार नहीं आया कि उसके सर पे कोई छत नहीं है रूफ मतलब होता है छत मतलब उसका कोई घर नहीं है वो कहीं पे रह सकता है ही वॉज वॉन्ड्रिंग इन द फॉरेस्ट ही वॉज हैप्पी अब वो बहुत खुश था एंड ही वॉज फ्री एज अ बर्ड टू गो वेर एवर ही विश मतलब वो बिल्कुल भी आजाद था फ्री मतलब क्या होता है आजाद आजाद था जस्ट लाइक अ बर्ड पक्षी की तरह पंछियों की तरह वो आजाद था और वो अपनी इच्छा से विश मतलब होता है इच्छा 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 विश मतलब होता है वो अपनी इच्छा से कहीं पे भी घूम सकता था कुछ भी कर सकता था नो बाउंडेशन वॉज देयर फॉर हिम ना डे एज ही वॉज वॉन्ड्रिंग इन द फॉरेस्ट ही सडनली केम फेस टू फेस विद विदयन अब वो जंगल में घूम रहा था ही वॉज वॉन्डरिंग वॉन्ड्रिंग मतलब भटकना घूमना भटकना या घूमना ही वॉज वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट जंगल में वो घूम रहा था सडनली मतलब अचानक उसका आमना सामना फेस टू फेस मतलब आमना सामना हुआ किससे शेर से हिज फर्स्ट रिएक्शन वॉज टू रन टर्न एंड फ्ली अब जैसे हम जंगल में जा रहे हैं और हमारे सामने शेर आ गया भाग आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा वही पे हार्ट फेल हो जाएगा है ना वी विल अफ्रेड ऑफ सेम रिएक्शन पहला उसका जो प्रतिक्रिया जो थी रिएक्शन मीन्स प्रतिक्रिया उसकी प्रतिक्रिया क्या थी टू टर्न एंड फ्ली टर्न मतलब मुड़कर भाग जाना फ्ली मतलब भागना वो चाहता था कि एकदम से पलट जाए और वहां से नौ द्यारह हो जाए बट देन ही सॉ दैट द लायन हैड नॉट मूव सीइंग हिम लेकिन उसने देखा ही सॉ मतलब देखना कि जो शेर था वो उसे देखकर मूव नहीं हुआ सीइंग हिम ही डिड मूव इट नेदर ग्रॉड नॉर रोड नीदर मतलब वो ना ही तो ग्रॉल्ड ग्रोल्ड किया ना मतलब गुर्राया ग्रॉल्ड मीन गुर्राना और रोड मीन गरजना रोड मतलब होता है गरजना और इसका मतलब होता है गुर्राना ना वो गुर्राया ना वो गरजा फैक्ट इट लुक्ड एट हिम पीटियसली एज इफ इट वाज अ ग्रेट पेन पीटीएसली का मतलब होता है दयनीता से एकदम मजबूर होकर दयनीता से वो ऐसे लग रहा था कि वो ग्रेट पेन में है दर्द उसे काफी सारा दर्द हो रहा है इनफैक्ट इनफैक्ट मतलब वास्तव में ऐसे लग रहा था कि वो दयनीय विस्तार में था उसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए वो घुर रहा है नहीं एंड्रोक्लीज रो मतलब रुकना वो थोड़ी देर रुक गया देन ही मूव वेरी कॉन्टियसली टूवर्ड्स द लाइन स्टेप बाय स्टेप देन फिर बाद में वो रुका और फिर धीरे धीरे आराम से सतर्कतापूर्वक सतर्कता पूर्वक सतर्कता वो लाइन की तरफ स्टेप बाय स्टेप एक एक कदम लाइन की तरफ बढ़ने लगा द लायन लोड द लायन मोन्ड एंड वेम्पाय दर्द जब हमें होता है तो हम लोग कैसे कराते कर हैं कराना या वेम्पर्ड वेम्पर्ड मतलब रू रू करना हम लोग रोते हैं ना द सेम वे ही वॉज ऑल्सो लुकिंग जस्ट लाइक ही वॉज क्राइंग प्लीज हेल्प मी इज आई सीम टू से मतलब उसकी आंखों की के तरफ लायन की आंखों की तरफ देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो मदद मांग रहा है प्लीज हेल्प मी मेरी मदद करो वेन एंड्रोक्स ड्रीव नियर द लायन लोड इट्स हेड एंड बिगेन टू इट्स पाव जैसे एंड्रोक्लिस उसके पास गया वेंट ड्रीव मतलब जाना लायन के पास गया तो लायन लोड लोर्ड मतलब झुक गया With its head. वो उसने अपनी गर्दन झुका ली एंड बिगेन टू लीक और जैसे डॉग हमारा जो कुत्ता होता है जब हम घर में जाते हैं स्कूल से तो वो कैसे हमारे पीछे दौड़ता है और हमें चाटने लगता है पूछ ही लगाता है तो सेम विदिज हेड एंड स्टार्टेड लीकिंग टू द एंड सॉरी लीकिंग इट्स पाव मतलब उसके पैर अपने पैर को वो चाटने लगा जैसे इशारा करके बता रहा हो कि मेरे पैर पे जख्म है तो प्लीज हेल्प मी दे सॉट लावर सो एंड स्वेलर तब एंडोक्लीस ने देखा कि जो लायन का पैर था वो वाउंडेड था जख्मी सोर मतलब वहां से पस जम गया था फूल गया था सूजना ओके, नाउ ऑन अ क्लोज लुक जब वो करीब गया एंड्रोकलिस एंड्रोकलिस नोटिस दैट अ बिग थॉर्न हैड प्रिक लाइन टो जब वो उसके करीब गया तो उसने देखा नोटिस मतलब देखना देखना दैट अ बिग थ्रॉन थ्रॉन मतलब बड़ा सा काटा उसके पैरों पे प्रिक मतलब कटा हुआ उसके पैर पे चुभा हुआ था हैविंग होल गड्ढा पड़ गया था गड्ढा पड़ना या कटना ओके okay? काटे से उसका पैर कट चुका था ऑफ द लाइन्स टो टो मतलब क्या होता है पंजा नाउ सो दिस इज द कीज ऑफ द लाइन्स डिस्ट्रेस थ्रू एंड्रोक्लेस। डिस्ट्रिक्ट मतलब होता है कठिनाई तो दिस वाज द प्रॉब्लम ऑफ द लायन व्हिच वाज अंडरस्टूड बाय द एंड्रोक्लीस ही इज न नन अदर देन द एंड्रोक्लीस एंड ही इज द लायन अब वो उसके पास जाकर उसके जखम को ठीक कर रहा है। ही वाज हेल्पिंग हिम ट्राइंग टू हेल्प हिम आउट समनिंग अप ऑल हिज करेज मतलब पुकारना या समन भेजना समनिंग अप ऑल हिज करेज मतलब पूरा करेज जुटाकर करेज मतलब क्या होता है हिम्मत अपनी हिम्मत जुटा कर समनिंग का मतलब होता है पुकारना लेकिन यहां पे क्या होगा इकट्ठा करना उसने पूरी अपनी हिम्मत इकट्ठा की एंड्रोकली स्ट्रेच हिज हैंड स्ट्रेच मतलब खींचना उसने अपना हाथ सामने खींचा हिज हैंड स्लोली किसका हैंड द लायंस हैंड मतलब उसके सामने के जो पैर थे दे आर कॉल्ड एज़ फोर लिम्स है ना फोर लिम्स एंड लिम्स तो फोर लिम्स उसके सामने के पैर को उसने स्लोली टुवर्ड्स द इंजर्ड पा वो धीरे-धीरे अपने हाथ उसके जो जख्मी इंजर्ड मतलब होता है जख्मी जो पैर थे उनके तरफ उसने लेके गया ही वाज अफ्रेड उसे डर भी लग रहा था दैट द लायन वुड अटैक

टैक्टिंग एंड्रोकलिस टूक द पाव इन हिस लेफ्ट हैंड उसने उसके पैर को अपने लेफ्ट हैंड में लिया डिफिटली डिफिटली मतलब चतुराई से चतुराई से ही पुल आउट द थ्रॉन उसने वो कांटा निकाल दिया देन टीयरिंग टियरिंग मतलब फार्डना टीयरिंग अ पीस ऑफ हिज ओन क्लॉथिंग्स The, key, uh, the kind man bound up the lion's injured paw. मतलब उसने फाड़ा क्या फाड़ा अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़ा ओन क्लॉथिंग अपने खुद के कपड़े को उसने क्या कर दिया फाड़ दिया द काइंड मैन एंड बाउंड मतलब अवश्य बाउंड अप द लाइन्स इंजर्ड पाओ इंजर्ड मतलब उसके जो जख्मी पैर थे उस पर उसने पट्टी बांध दी to his surprise and wonder the lion then licked his arm as if to show gratitude surprise surprise मतलब चकित होना आश्चर्य चकित to his surprise मतलब उसके पैर को पट्टी बांधने के बाद जो हादसा हुआ जो इंसिडेंट हुआ उससे एंड्रोक्लीच चकित हो गया एंड वंडर एंड वंडर वंडर मतलब आश्चर्य उसे आश्चर्य हुआ क्या आश्चर्य द लाइन दैन लिक्ड लिक्ड मतलब चाटने लगा हिज आर्म्स उसके हाथों को वो चाटने लगा एज इफ टू शो ग्रेटिट्यूड जैसे कि कृतज्ञता धन्यवाद वो अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है जैसे एंड्रोक्लिस को थैंक यू कह रहा है वो सेइंग थैंक यू टू हिम ऐसे उसे महसूस हुआ एंड्रोक्लिस रिमेन विद इट कूड वॉक अगेन मतलब एंड्रोक्लिस चलने लग जाता ही वुड हंट इन द फॉरेस्ट एंड शेयर हिस्स फूड विदेलैस बीस्ट मतलब वो जंगल में शिकार करता हंट मतलब शिकार शिकार करता एंड शेयर शेयर मतलब बांटना फूड वो जो भी शिकार कर, कर लगता वो खाना हेल्पलेस हेल्पलेस मतलब मजबूर जो मजबूर जानवर था जो जख्मी था जख्मी होने की वजह से वो कहीं जा नहीं सकता था जख्मी शेर कहीं जा नहीं सकता था तो वो अपना खाना उसके साथ शेयर करता था एवरी डे हर दिन

तो कुछ ही समय में इस दौरान क्या हुआ कि एंड्रोकलिस का जो मालिक था उसने कंप्लेन कर दिया तकरार कर दिया टू द अथॉरिटी मतलब होता है सत्ताधार्यक्ति सत्ता सत्ताधारी व्यक्ति, सत्ताधारी मतलब मेन पर्सन ऑफ दैट दैट इज स्लेव मतलब अगर हम लोग स्कूल की बात करें तो हेडमास्टर सर इज आर अथॉरिटी मेन पर्सन है तो ऐसे व्यक्ति को उन्होंने जाकर जानकारी दे दी नाउ सोल्जर्स सोल्जर्स मतलब सिपाही सोल्जर्स वर सेंट इन ऑल डायरेक्शन हर दिशा में सैनिकों को भेजा गया सिपाहियों को भेजा गया टू कैप्चर एंड्रोक्लेस कैप्चर मतलब होता है गिरफ्तार करना एंड्रोक्लेस को गिरफ्तार करने के लिए दे सर्च फॉर हिम हाई एंड लो बट कुडंट फाइंड हिम मतलब उन्होंने हर जगह हाई एंड लो मतलब ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह ढूंढ के निकाला लेकिन उन्हें कहीं एंड्रोकलिस का पता नहीं चला एट लास्ट आखिरकार दे केम टू द फॉरेस्ट आखिरकार वो जंगल में पहुंच गएक्लिस रहता था ना घूमते घूमते सर्च करते करते वो जंगल तक पहुंच गए ना इट सो है लोन लायन रिस्ट रिस ऐसा हुआ कि एड्रोक्लिस अकेला ही चला गया अलोन अलोन मतलब अकेला अकेला ही जंगल में चला गया और लायन क्या कर रहा था यू वॉज रेस्टेड वो आराम कर रहा था इन द केव केव मतलब गुफा बोथ ऑफ दू देंड्स ऑफ द सोल्जर्स अब दोनों अब इधर एंड्रोकलिस को भी सिपाहियों ने पकड़ लिया और उधर शेर को भी सिपाहियों ने पकड़ लिया द सोल्जर्स टुक दम बैक टू द सिटी और वो सिपाही उन दोनों को शहर वापस लेके गए दे पुट एंड्रोकलिस इन चेन इन अन अ चैन चैन मतलब क्या होता है बेड़ी में उसे बेड़िया पहनाई गई और उसे जेल में डाला गया prison मतलब होता है जेल जेल में डाला गया the lion was caged और को भी पिंजरे में डाला गया। अब दोनों को जेल हो गई दे वर इन द प्रिजन इन उस जमाने में क्या होता था पीपल हु टू बी गिल्टी ऑफ अ सीरियस क्राइम वर फिट टू द वाइल्ड बीस्ट एज पनिशमेंट मतलब जो भी गिल्टी होते थे जो भी व्यक्ति गिल्टी गिल्टी मतलब दोषी उस समय जो भी व्यक्ति दोषी या गुनागार पाया जाता था उस व्यक्ति को क्या किया जाता था गुना सिद्ध होने के बाद फीड फीड मतलब उन्हें जानवर के सामने पनिशमेंट के तौर पर क्या किया जाता था पेश किया जाता था सजा पनिशमेंट मतलब सजा फीड मतलब खिलाना खिलाना khilana. Khilana, किसको द वाइल्ड बीस जंगली जानवर के सामने फेंक दिया जाता था उस व्यक्ति को रनिंग अवे फ्रॉम वंस मास्टर वॉज अ वेरी सीरियस क्राइम एट दट टाइम मतलब किसी भी मालिक को छोड़कर भाग जाना वो सबसे बड़ा जुर्म सीरियस एकदम सीरियस मतलब गंभीर गंभीर गुना माना जाता था देयर फोर इसीलिए एंड्रोकलिस टू वॉज बी थ्रोन टू द वाइल्ड बीस इसलिए एंड्रोकलिस को भी जंगली जानवर के सामने यानी डालने वाले थे उसको वो सजा निश्चित थी मिलना ऑन द अपॉइंटेड फिर एक निश्चय किया गया अपॉइंटेड मतलब होता है निश्चित करना नियुक्त करना एक दिन नियुक्त किया गया ठहराया गया एम्परर एम्परर मतलब महाराज या सम सम्राट महाराज या सम सम्राट ओके राइट एट दर्कस एंड टुक हिस प्लेस मतलब सर्कस मतलब क्या होता है अखा, अखाड़ा जहां पे सजा दी जाती थी अखाड़े टाइप एक सर्कल होता था जैसे हमारा स्टेडियम होता है उसी तरह का एक सर्कस होता था जहाँ पे राजा बैठते थे और फिर उस समय चारों तरफ गांव के लोग जो थे उस नगर के नगर वासी थे वो बैठते थे और जो भी मुजरिम होता था उसे वहां पे सजा दी जाती थी द क्राउड्स चेयर्ड लाउडली क्राउड्स मतलब भीड़ क्राउड मतलब क्या होता है भीड़ मतलब खुशी प्रकट कर रही थी चिडर्ड मतलब खुशी लाउडली जोर जोर से द the trumpet trumpeters मतलब बाजे वाले बाजे वाले blew मतलब बजाना द trumpeters मतलब बाजा बजाने लगे एंड was वॉज ब्रॉट इन arena और एंड्रोकलिस को उस जगह पे मतलब उस अखाड़े में सेंटर में लाया गया chains were unbound. उसकी जो चैन थी बेड़िया थी वो खोली गई अनबाउंड मतलब खोलना He felt weak, उसे काफी कमजोर लग कमजोरी महसूस हो रही थी एंड डिसमेड एंड डिसमेड मतलब निराशा वो काफी कमजोर फील कर रहा था और निराश भी था

उसके विरुद्ध दिशा में जिस जगह से एंड्रोक्लिस बाहर निकला था उसके विरुद्ध जेल से एक गेट खोला गया रेस्ट अग, मतलब उठाया गया और वहां से कुंखार जानवर शेर रिलीज किया गया उस अखाड़े में छोड़ा गया रिलीज मतलब छोड़ना या निकालना इट हैड बिन केप्ट हंगरी उसे भूखा रखा गया था उस शेर को काफी समय तक भूखा रखा गया था टू मेक इट मोर फ्यूरियस उसे काफी डरावना खुंकार बनाने के लिए उसे भूखा रखा गया था फ़ियर उसे डरने लगने लगा बट ही पुट अप अ ब्रेव फ्रंट एंड्रोकलिस काफी डर चुका था लेकिन वो एक ब्रेव वीर साहसी की तरह की तरह वो रेडी था टू फेस एनी प्रॉब्लम लाइन ऑफ एंड्रोकिस एंड रश टूवर्ड हिम बाउंडिंग एंड रोरिंग जैसे लायन ने एंड्रोकिस को देखा वो उसकी तरफ हुआ यानी भागने लगा दौड़ने लगा टूवर्ड हिम बाउंडिंग एंड रोरिंग यानी घूरते हुए खुंकारते हुए वो उसके तरफ दौड़ने लगा दौड़ने लगा बट सडनली अचानक ही इट स्टॉप इन इट्स ट्रैक लेकिन वो दौड़ते दौड़ते अचानक अपने रास्ते में ट्रैक मतलब रास्ता वो वहां पे रुक सा गया देन इट मूव्स स्लोली फॉरवर्ड और वो धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगा ऑल इट्स रेग सीम टू हैव मेल्टेड ऑल इस रेग जो उसका क्रोध था वो कम हो गया मेल्ट हो गया ठंडा हो गया एकदम पिघल गया मिल्टेड मतलब होता है पिघलना उसका जो गुस्सा था अचानक से पिघल गया एंड एंड्रोक्लीस सॉ दिस टू और एंड्रोक्लीस को भी दिखाई दिया कि अभी जो लायन जो खूंखार दौड़ के आ रहा था एकदम से उसके सामने वो एकदम से नॉर्मल हो गया इज मूविंग वेरी स्लोली ईच फ्रेंड रिकॉग्नाइज ईच अदर ओ अब वो कौन था लायन ही वाज द फ्रेंड ऑफ एंड्रोक्लीस एंड्रोक्लीस ने जिसकी मदद की थी जिसके पैर के जखम को उसने पट्टी की थी वही वो शेर था रिकग्नाइज मतलब पहचानना अब क्या हुआ टू एवरी वन अमेजमेंट सब लोग आश्चर्यचकित हो गए सबको आश्चर्य हुआ द लाइन बाउंडेड टूवर्ड द एंडोक्लिस अगेन वो शेर जो था वो विवश हो गया झुक गया विवश होना अपने हथियार डाल देना टूवर्स द एंड्रोकलिस एंड्रोकलिस की तरफ फिर से एक बार झुक गया विवश हो गया बट वेन इट रिच इट बिगेन टू पुर एंड रब इट्स रोस्ट अगेंस्ट हिम जैसे ही वो उसके करीब पहुंचा एंड्रोकलिस के करीब पहुंचा वो घुर्राने लगा पुर करना मतलब गुर्राना गुर गुर करना गुरगुरना गुर एंड रब रब मतलब रगड़ना वो अपना नाक रगड़ने लगा टूवर्ड्स द एंड्रोक्लिस हग द लायन हग मतलब होता है गले लगा लिया गले लगाना उसने लायन को अपने गले से लगा लिया ही वेप विद रिलीफ एंड जॉय और वेप मतलब रोना और वो फूट फूट कर रोने लगा रिलीफ मतलब शांत जॉय मतलब खुशी हर्ष खुशी से रोने लगा उसे गले लगा लिया द ऑडियंस ऑडियंस मतलब दर्शक द ऑडियंस दर्शक जितने भी बैठे थे क्या हो गए वो आश्चर्यचकित हो गए इंक्लूडिंग द एम्पर और वहां पे जो सम्राट बैठे थे महाराज बैठे थे वो भी वॉच द टेंडर साइट इन ग्रेट वॉन्डर टेंडर मतलब अद्भुत अद्भुत नजारा साइट मतलब नजारा ये जो नजारा था अद्भुत नजारा था बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल कोई खूंखार जानवर किसी इंसान को इस तरह से प्यार करे उसके साथ गले मिले उसे चाटने लगे इट इज इम्पॉसिबल और वो भी शेर, है ना पीपल बिगेन टू चेयर एंड्रोकिस और ये देखकर लोग एंड्रोकलिस को चेयर अप करने लगे एंड आस्क फॉर हिज रिलीज और राजा से विनंती करने लगे कि उसे छोड़ दिया जाए द एम्पर आज एंड्रोकलिस टू एक्सप्लेन द रिलायंस स्ट्रेंज बिहेवियर महाराज ने एंड्रोकलिस को कहा कि ये जो शेर है ये जो अनोखा अनोखा स्ट्रेंज बिहेवियर कर रहा है बर्ताव ये जो अनोखा बर्ताव कर रहा है उसके बारे में समझाया जाए वेन ही हर्ड अ होल स्टोरी और जैसे ही एंड्रोक्लिस ने अपनी पूरी हकीकत राजा को बताई द एम्पर वॉज ऑल्सो मूव बाय द ग्रेटिट्यूड मतलब जो महाराष्ट्र थे वो भी खुश हो गए वो भी प्रसन्न हो गए एंड फ्रेंडशिप बिटवीन द मैन एंड द बेस्ट ही वॉज ग्रेटिट्यूड मतलब वो आश्चर्य में पड़ गए कि इंसान और जानवर में दोस्ती कैसे हो सकती हाउ इट कु पॉसिबल ही ऑर्डर दैट एंड्रोक्लिस शुड बी सेट फ्री और महाराज ने आदेश दिया ऑर्डर मतलब आदेश आदेश दिया कि एंड्रुक्लिस को छोड़ दिया जाए उसको उसकी गुलामी से मुक्त किया जाए ही वुड नो लॉन्गर बी स्लेव अब वो नौकर नहीं है वो सेवक नहीं है वेन द एम्पर आस एंड्रुक्लिस वॉट अदर रिवॉर्ड ही वुड लाइक मतलब महाराज ने पूछा कि उसे और क्या चाहिए क्या इनाम चाहिए महाराज ने एंड्रोकलिस से कहा कि तुम्हें कोई इनाम चाहिए तो तुम मांग सकते हो तो एंड्रोक्लिस रिप्लाइड एंड्रोक्लिस ने जवाब दिया दैट ही डिड नॉट वॉन्ट एनीथिंग फॉर हिमसेल्फ वो अपने लिए कुछ भी नहीं चाहता है बट ही वॉन्टेड द लाइन टू बी सेट फ्री लेकिन वो क्या चाहता है कि इस शेर को मुक्त किया जाए इसे भी आजाद किया जाए सेट फ्री मतलब आजाद करना शेर को भी आजाद किया जाए देन द टू फ्रेंड्स वेंट बैक टू द फॉरेस्ट एंड लीव फ्री लाइफ और दोनों दोस्त वापस जंगल में चले गए और वो आज़ादी से आराम से प्यार से हसी हसी खुशी वहां पे रहने लगे ना डियर स्टूडेंट दिस वॉज अ लवली स्टोरी ऑफ एंडरकिस एंड अ लैन अब तो ये कहानी है लेकिन इस हमें इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है तो ये सीख ये है कि चाहे जानवर हो या इंसान हो फ्रेंड इज नीड इन फ्रेंड इन डेट दोस्त कैसा होता है जो सुख दुख के वक्त हमारा साथ दे वही सच्चा दोस्त होता है तो हमें भी ऐसी दोस्ती करनी चाहिए ऐसे एक दूसरे की मदद करना चाहिए और उसमें कोई भी दूजा भाव नहीं रखना चाहिए क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में भविष्य में कभी भी हमें उस दोस्त की मदद मिले सो बी काइंड एंड जेंटल विथ एवरी वन हर व्यक्ति के साथ प्यारा और अच्छा बर्ताव करें हर व्यक्ति के साथ अच्छे रहें क्या पता उसकी जरूरत हमें जीवन में कब पड़ जाए सो वेदर इट इज अ एनिमल वेदर इट इज अमन बींग बी अ गुड फ्रेंड ऑफ एवरी वन सो डियर स्टूडेंट्स आई होप दैट यू हैव लर्न वट इज अ ट्रू फ्रेंडशिप फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक सो इसी तरह की वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें